शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 100 करोड़ मैन यानी कि साउथ के सुपरस्टार प्रभास, उनकी यशराज फिल्म्स में एंट्री होने वाली है। यानी कि पठान फिल्म से शायद वे कैमियो करेंगे, जिसके डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद। और उसके बाद आई एम श्योर यशराज फिल्म्स प्रभास को लेके एक फुल फ्लेज फिल्म बनाने वाली है, ऐसी न्यूज़ आई है। अभी ये पक्की न्यूज़ है या रूमर्स है ये आगे पता चलेगा, लेकिन अगर प्रभास ने यशराज फिल्म में एंट्री मारी तो पूरे कंट्री के बॉक्स ऑफिस भूचाल आ जाएगा, क्योंकि जितना कलेक्शन बॉलीवुड के हीरो का लाइफ टाइम कलेक्शन होता है, उनकी सबसे बड़ी हिट का कलेक्शन होता है, उससे ज़्यादा तो प्रभास की 100 फिल्मों का कलेक्शन होता है। जस्ट इमेजिन अगर उन्होंने एंट्री मारी तो जितने भी यशराज फिल्म के जो खास लोग हैं ना वो आम हो जाएगी, हो सकता है। और प्रभास ने अगर हिंदी में मारी एंट्री तो बॉलीवुड के कुछ एक्टर चिंदी बेदे नजर आएंगे, बिकॉज अगर आप टीवी खोल के देखो तो दिन में 50 फिल्में आती है तो 50 फिल्मों से 40 फिल्में तो साउथ की आती है, तो टीवी में तो उन्होंने कब्जा कर ही दिया साउथ फिल्म एक्टर्स ने। अभी जो साउथ के सुपरस्टार जो आ रहे हैं, जैसे प्रभास, KGF सुपरस्टार यश, देन सुपरस्टार्स जूनियर NTR, रामचरण, लॉट मैनी अदर्स, पवन कल्याण, लॉट बहुत आ रहे एक्टर, क्योंकि सब आगे अगर बॉलीवुड में एंट्री मारी सबने तो बॉलीवुड के हीरो की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उनका कलेक्शन मतलब बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन होता है उनका ऑल ओवर इंडिया। दे आर फार फार मच बिगर स्टारडम देन द बॉलीवुड एक्टर्स। तो अगर प्रभास ने एंट्री मारी है तो यशराज फिल्म ने कुछ सोच समझ के उनको लिया रहेगा, तो उनको पता है कि इससे बड़ी ओपनिंग पूरी इंडिया में किसी को नहीं मिलती। तो लेट्स सी, ये रूमर्स है या फैक्ट है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए हम यही सोचते हैं कि प्रभास इज कमिंग इन यशराज फिल्म्स। एंड समझ में आ गया आपको, बहुत बड़ी ओपनिंग मिलने वाली पिक्चर को, जब भी वो फिल्म रिलीज हो, एक साल बाद, दो साल बाद, कभी भी रिलीज हो, बहुत बड़ी ओपनिंग मिलेगी। सो गाइस, यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन दिस बॉय बाय सेइंग गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।